ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इसलिए जो दान करता वो राजा है। दान करने के संस्कार चाहिए, चाहे ज्ञान का दान, शक्तियों का दान, गुणों का दान, जो दान करता वो राजा। जो शिकार करता उसको राजा कहेंगे। तो आप लोगों ने राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था, हम राजा बनने वाले हैं, तो आप लोग कितना शिकार करते हैं? माताएं करते शिकार, और राजा शिकार किसकी करता है? चूहा को मार के आता है, चूहा मार करके बोलता है मैंने आज शिकार करके आया हूं, पूरा गांव में घुमाता है चूहा को। शेर को मार के कोई आता है, बहादुर का काम करता तो पूरा शहर में चक्कर लगाता है। तो आप लोगों ने कितने शेर मारे हैं बताओ? राजा बनने के लिए हाथ खड़ा किया था। शेर मतलब अज्ञानी आत्मा को ज्ञानी बनाना। वो भी ऐसे नहीं कि दो चार दिन के बाद मरने वाले बुढ़िए को ज्ञान सुना के आए, वो तो चूहा बिली हो गया। शेर की शिकार करो, और कानपुर में तो बहुत सारे शेर घूमते हैं, इधर बहुत बड़ा शहर है, इसमें शेर बहुत हैं। जरूर शिकार करनी है, अर्थात उसको ज्ञानी बना दो। जो प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो राज किसके ऊपर करेंगे? राजा बनने के लिए प्रजा भी चाहिए। आज तक मैंने किसको बीके बनाया? पक्का ज्ञान में चलता है, धारणा में चलता है, वो आपकी प्रजा में आएगा। आया बनाए कोई? महीने में एक को बीके जरूर बनाना है, तो एक साल के कितने हो जाएंगे? 12। नहीं तो कई तो बहाना बनाते हैं, हम तो बहुत बिजी रहते हैं। आज हम भी माउंट आबू में कितना बिजी रहते हैं ना, सेवा तो किचन की सेवा कर लेते हैं, बीच में थोड़ा टाइम है, पूरा भारत में जाकर गए शेर की शिकार करने के लिए जाते हैं, और एक टूर में तो दो चार शेर तो मर ही जाते हैं। शौक चाहिए तो आप भी क्या करो, सप्ताह में एक शिकार, महीने में एक शिकार जरूर करो। लेकिन शिकार करने के लिए स्थिति अच्छी चाहिए। कई तो कहते हम भाई जी हम बहुत सुनाते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं है। अगर नहीं सुनता तो आपके पास जो तीर है, ज्ञान है, उसके अंदर धार नहीं है। इसलिए पहले धार लगा दो, पहले उस बातों को धारणा में लाओ, योग का बल, योग से उसको धार बना दो, और पर फिर शिकार करो। अच्छा कोई नहीं सुनता तो कोई बात नहीं, उस शेर को जाली में तो फंसाओ। ये सेंटर क्या है, बहुत बड़ी जाली बना कर रखी है शेर को पकड़ने के लिए। कम से कम मीठा मीठा उसको बोल के लेके आओ, बहनों के पास दे दो, बहनें मारने का काम कर ही देगी 7 दिन का कोर्स करके। लेकिन आपका काम है इसको यहां तक लाना।